नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एग्जाम टीवी पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम ल्यूसेंट के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका ये पार्ट थर्ड है, जिसमें हम 200 नंबर क्वेश्चन से लेके 300 नंबर क्वेश्चन तक 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें मैंने 200 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इन दोनों का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उनको भी देख सकते हो। अगर आपको इस फाइल की PDF चाहिए तो आप कमेंट के अंदर अपने व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, तो ताकि मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 204 नंबर से कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो हो जाएगा हीराकुंड बांध। और संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो ये हो जाएगा 22। चीन की मुद्रा कौन सी है, ये हो जाएगा युआन। 207 नंबर है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं, तो ये तो अभी आपको करंट वाला देखना है। 208 नंबर है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये हो जाएगा एनीमिया। और भारत कोकिला कौन कहलाती है, ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। 210 नंबर है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 211 नंबर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो यह जाएगा चाणक्य या कौटिल्य। 213 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है, ये हो जाएगा कन्याकुमारी। और अगला क्वेश्चन है 214 कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। और 215 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं, ये हो जाएगा 8। अब 8 देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 216 नंबर क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, ये हो जाएगा 7516। 200 यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्र का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, ये हो जाएगा भारत के अंदर होता है। 218 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, ये हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर देखते हैं आगे। 219 नंबर की क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये हो जाएगा बेरी बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये हो जाएगा विटामिन सी से स्कर्वी होता है। और 221 नंबर है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी। 222 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये हो जाएगा रिकेट्स। 223 नंबर है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, ये हो जाएगा विटामिन के। 224 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ये हो जाएगा बांझपन। 225 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। 226 नंबर क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, हो जाएगा ए और ई। और अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, ये हो जाएगा NaCl। आगे है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो हंसाने वाली गैस है, इसका रासायनिक नाम है हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है। 229 नंबर क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक होता है खाने का सोडा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और धावन सोडे में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो 230 में क्या है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता। 231 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्शिफेरॉल। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, ये हो जाएगा कॉर्निया। 233 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये हो जाएगा विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है 234 कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो ये हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। 237 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा स्फेगेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, ये हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक होती है रैम, तो इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। 239 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभक्त हो गई थी, ये हो जाएगा 1907 सूरत अधिवेशन में। 240 नंबर क्वेश्चन है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया, ये हो जाएगा
राजराज प्रथम चोल ने। अगला क्वेश्चन है 241 की मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, यह हो जाएगा अमरकोट, अमरकोट के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है 242, तो 242 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, ये किस देश में आयोजित कराया गया था, ये हो जाएगा ब्राज़ील के अंदर। और 243 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे हुआ था, ये हो जाएगा रूस के अंदर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2022 का होने वाला है ये कतर के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ गेम जो स्कॉटलैंड या ग्लासगो में हुए थे, और 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था। और 2019 का वर्ल्ड कप ये इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित कराया गया था, और यहाँ पे इंग्लैंड विजय घोषित हुआ था। 246 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 247 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, यह हो जाएगा 370। और हाल ही में 370 ये धारा यहाँ से हटा दी गई है और इसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है, और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। और एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि केंद्र शासित प्रदेश अब पहले 7 थे, अब 9 हो गए, और राज्य पहले 29 थे, अब 28 हो गए। 249 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा एशिया। और 251 नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मुसी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये हो जाएगा मेक्सिको। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा, ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। और स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और पन्नामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 256, जो 256 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगी सिलवासा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये हो जाएगा राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगला है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, ये हो जाएगा उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है 260, तो 260 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है, तो दक्षिण सूडान है, इसकी राजधानी यहाँ पे क्या है, जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पहले योजना आयोग थी, अब इसकी जगह नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईने आईने अकबरी का लेखक कौन है, हो जाएगा अबुल फजल है। और हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है, तो हाफ मैन कप है ये टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, ये हो जाएगा चिरंतन दास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, ये सभी को पता है कि 24 तिल्लियाँ होती है। और 266 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो ये हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। 267 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, हो जाएगा स्टेपीज होती है। और सबसे बड़ी हड्डी ये फीमर होती है, जांग में पाई जाती है, और जो स्टेपीज हड्डी है ये कान के अंदर पाई जाती है। और मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है, ये हो जाएगा 639 होती है। और लाल रक्त कणिकाएं RBC का जीवन काल कितना होता है, तो ये हो जाएगा 120 दिन। और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा जस्तीकरण या ग्लेवेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 272, तो 272 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, ये हो जाएगा यकृत, या इसको लीवर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। 273 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा डिगबोई, जो असम के अंदर है। यूनेस्को यहाँ पे यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये कलिंग पुरस्कार आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया, ये हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पर पारित किया गया, ये हो जाएगा 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है
कि श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो हो जाएगा फेरी क्वीन। और भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की थी? ये हो जाएगा चीन के आक्रमण के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 281 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और 282 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यह हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। 283 नंबर क्वेश्चन है कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह हो जाएगा मेगस्तनीज। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सिलोन। और 285 नंबर है, विटामिन की खोज किसने की? हो जाएगा फंक ने। और 286 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकल। अगला क्वेश्चन 287 नंबर है, यहाँ पे 287 नंबर क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है कॉपर प्लस टिन की। कांसा आपको देखनी है किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद है, उसने शिकागो के अंदर एक धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये कब किया गया था? ये हो जाएगा 1893 के अंदर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अंदर है। और इसमें जनरल डायर ने जबरदस्ती गोलियां चलवाकर यहाँ पे ये निर्मम हत्याएं की थी। 290 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। अगला क्वेश्चन है 293 नंबर, यहाँ पे 291 291 कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये हो जाएगा सारनाथ के अंदर दिया। 293 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के द्वारा किसकी मृत्यु हुई थी? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? ये हो जाएगा सिद्धार्थ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। 295 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ये हो जाएगा छोटी आंत में होती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ये ग्रेगर जोन मेंडल ने किया था। और मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? ये हो जाएगा तांबा, इसको कॉपर भी बोल सकते हो आप। 298 नंबर क्वेश्चन है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के आधार पर। और रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े हमेशा सहसुत की पत्तों पर ही पाले जाते हैं। और राजस्थान का खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तांबे की खान के लिए। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था 300। अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 301 से लेकर 400 तक क्वेश्चन कराऊंगा। आप इनको PDF चाहिए तो आप डेफिनेटली अपने व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, तो ताकि मैं PDF आपको सेंड कर सकूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।